आप देख रहे हैं कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे दिया है। कलम मिली है ना, भाग्य की लकीर खींचना आता है? कितनी लंबी लकीर खींची है? छोटी मोटी तो नहीं खींच ली है ना, तो जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। पूरी छुट्टी है और सभी को छुट्टी है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। सप्ताह कोर्स किया बाबा को पहचाना और बाप भाग्य का कलम दे देता है। यही परमात्म प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है? जो जीवन में चाहिए वह अगर कोई किसी को देता है ना, तो वही प्यार की निशानी है। तो बाबा के प्यार की निशानी में है जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सुख शांति तो चाहिए ना, अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं तो उसे सुख मिलता है ना, तो बाप सुख क्या देता है? लेकिन सुख का भंडार आपको आप सबको बना देते हैं। सुख का भंडार है ना, पूरा स्टॉक है या एक कमरा दो कमरा है, भंडार है ना। जैसे बाबा सुख का सागर है, नदी या तालाब नहीं है, सागर है, तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। कोई सुख की कमी है क्या, कोई अप्राप्ति है? फिर यह नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो। दे दिया, दे 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 कहने की आवश्यकता नहीं, बाबा ने दे दिया। सिर्फ उनको कार्य में लगाने की विधि चाहिए और विधि बाबा द्वारा अनेक प्रकार की मिलती भी है। सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में नहीं लगाती, इसलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। कितना बड़ा भाग्य है, कितना सहज मिला है। और कोई मेहनत है क्या? एक टांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ता है या एक सेकंड के लिए दर्शन में क्यों में खड़े तो नहीं होना पड़ता है ना। आराम से यहाँ बैठे हो, नीचे भी फोम पर बैठे हो, आराम से ही सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो। ये नशा है ना, सभी नशे से कहेंगे कि भाग्य विधाता बाप हमारा है, ये हमारा नशा है। जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा? भाग्य विधाता को अपना बनाया अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं, भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। इतना नशा है या कभी कभी चढ़ता है कभी उतरता है। संगम का समय ही कितना छोटा सा है और आप मेजोरिटी तो सब नए हो, कितना थोड़ा समय मिला है। लेकिन ड्रामा में विशेष ही संगम युग की ये विशेषता है, कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। तो नए में उमंग है या समझते हो हमारे से आगे तो बहुत है, हम तो आए ही है अभी है, नहीं ये छुट्टी ये खुली छुट्टी है, जितना आगे बढ़ना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो, कोई कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं और आप नए अलबेले नहीं होना, आगे बढ़ना। नंबर ले लेंगे ना, नंबर लेना है ना, फर्स्ट नंबर नहीं फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गए, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में जितने चाहे उतने आ सकते हैं। तो सभी किस डिवीजन में आएंगे? सभी फर्स्ट में आएंगे, तो सेकंड में कौन आएगा? माताएं किस में आएंगी भाई? फर्स्ट में आएंगी। अच्छा, बहुत अच्छा, आना ही है, ये दृढ़ निश्चय तो निश्चित कर देता है। पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं आगे चलकर कोई माया आ जाए, माया बड़ी चतुर है, ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना। जब सर्वशक्तिमान साथ है तो माया उसके आगे पेपर टाइगर है, इसलिए घबराना नहीं। पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। मास्टर नॉलेज फुल बल हर कर्म करते चलो। साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी का वायदा है साथ रहेंगे साथ चलेंगे, यही वायदा है ना। या अकेले रहेंगे अकेले जाएंगे नहीं, तो साथ का अनुभव बढ़ाओ। जानते हो कि साथ है, मानते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? जानते भी हो मानते भी हो, लेकिन समय पर उसे प्रमाण नहीं चलते हो। माया का फोर्स है, जो फोर्स है ना उसको भुला देता है। लेकिन क्या माया बहुत बलवान है? वह बलवान है या आप बलवान, या कभी माया बलवान होती है और कभी आप बलवान होते हो? आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं, आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है। जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना, ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बन के सामना करती है। तो न कमजोर बनना है न माया आनी है।
लक्ष्य है माया जीत जगत जीत। कितने बार विजयी बने हो अनगिनत बार, फिर घबरा जाते हो। कोई नई बात होती है तो कहाँ जाता, नई बात थी ना, मुझे पता नहीं था ना, इसलिए घबरा गए। लेकिन एक तरफ कहते हो अनेक बार विजयी बने हैं, फिर क्यों घबराते। बाप का प्यार ही है और एक बच्चा श्रेष्ठ आत्मा पर राज्याधिकारी बने। क्या प्यार है बाबा का, हर एक बच्चा राज्याधिकारी बने। प्रजा ने अधिकारी नहीं तो राज्याधिकारी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत। अगर अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं तो प्रजा पर राज्य क्या करेंगे। अगर ऐसे राज्य बने तो अपने ऊपर विजय पा नहीं सकते, तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। इसलिए ये चेक करो, मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो। जब ये कंप्लेंट करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं, मेरा मन आज बहुत भटक रहा है, तो ये मनचित हुए। आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, क्या ये विजयी का संकल्प है। तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते तो विश्व पर कैसे राज विजय पाएंगे। इसलिए चेक करो कर्मेंद्रिय जीत मन जीत कहाँ तक बने हैं। अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। बाप दादा ने देखा बच्चे उमंग उत्साह में रहते हैं, ज्ञान की जीवन अच्छी लगती है, ज्ञान सुनना सुनाना इसमें भी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण क्या है। विशेष कारण है जो कहते हो जो सुनते हो उस एक एक गुण का शक्ति का ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। मानो सारे दिन में स्वयं भी व दूसरों को भी कितने बार कहते हो मैं पापा, मैं आत्मा हूँ, या आप आत्मा हो, या मैं शांत स्वरूप हूँ, या मैं सुख स्वरूप हूँ। कितने बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरों को कहते, लेकिन चलते फिरते आत्मिक अनुभूति ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम होती है। सुनना कहना ज़्यादा है लेकिन अनुभूति कम होती है, तो अनुभूति को बढ़ाना है अपना। लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है, इसलिए अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो ना शांत स्वरूप, तो स्वयं को दूसरे को भी शांति की अनुभूति कराओ। एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। कई तो बोलते रहते हैं सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते। अगर सभी से पूछे जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है, तो थोड़े कहेंगे हाँ। तो जितना मिल रहा है उतना जीवन में व कर्म में अनुभव हो, सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं हो, लेकिन चलन में कर्म में शक्तियाँ गुण स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो। कहते हो ज्ञान स्वरूप, तो वह स्वरूप दिखाई देना चाहिए। और स्वरूप सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं होता है, वो कॉन्स्टेंट होता है। अज्ञानकाल के जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप होता है, जब भी कोई बात होगी तो वो स्वरूप दिखाई देता है, छिपता नहीं, चाहे छोटी बात हो या बड़ी। लेकिन जिसका जो स्वरूप होता है वो दिखाई देता है, स्वयं को भी अनुभव होता है, दूसरों को भी अनुभव होता है। क्या कहते हैं, ये है ही क्रोधी, इसका संस्कार ही क्रोधी का है। तो संस्कार दिखाई देता है ना, ऐसे ज्ञान स्वरूप शांत स्वरूप सुख स्वरूप अनुभव में आए। तो अनुभवी मुहूर्त श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है। अनुभव को बढ़ाओ, जो कहा अनुभव किया। अगर अनुभव नहीं होता तो उसका कारण ये है कि जो समय प्रति समय विधि मिलती है उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। जितना ज्ञान को शक्तियों को गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होगा। रिवाइज नहीं करते तो रियलाइजेशन भी कम होती है। सुना बहुत अच्छा, लेकिन चलते फिरते रिवाइज होना चाहिए। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कर्म ही योग है, कर्म और योग अलग नहीं मानते, कर्म ही योग मानते हैं। कर्म से योग लगाना, इसी को ही कर्मयोग समझते हैं। लेकिन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है, कर्म में बिजी रहना योग नहीं है, कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, और फिर क्या होता है, योग किनारे हो जाता है। चलते फिरते यही अलबेलापन आता है, तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कर्मयोगी कहा जाता। मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो, एक एक गुण में
गुण के अनुभव में हो जाओ, शक्ति स्वरूप बन जाओ। आपके स्वरूप से शक्तियाँ दिखाई दे। अभी भी देखो, अगर कोई विशेष शक्ति होती है तो उसके लिए कहते हो ना, ये बहुत ही सहनशील है, इसके इसमें ना समाने की शक्ति बहुत है। तो कोई में दिखाई देती है, कोई में नहीं, कभी दिखाई देती, कभी अटेंशन कम होता। तो हर शक्ति गुण ज्ञान की पॉइंट्स आपके स्वरूप में अनुभव करें, वो तब होगा जब पहले स्वयं को अनुभव होगा। तो बाबा कहते हैं अगर स्वयं अनुभवी होगा तो दूसरों से भी अनुभव कराएगा। जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती है। एक सेकंड भी अगर किसी गुण का या शक्ति का अनुभव करते हो ना, तो कितनी खुशी बढ़ जाती है। और जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो सदा चेहरे पर खुशी की झलक, खुश नसीब की झलक अनुभव होगी। तो अनुभव को बढ़ाओ। विधि तो स्पष्ट है ना। अच्छा, सभी खुश नसीब हो लेकिन विशेष खुशी मनाने आए हो। सबको खुशी मिली है ना, सब आराम से रहे हो ना, मन आराम में है, तन को भी आराम मिल जाता है। ये तो होना ही है, जितना स्थान बढ़ाएंगे उतना कम होना ही है, ये भावी है। बाबा के बच्चे तो पढ़ते ही जाते हैं ना, तो उसको क्या करेंगे। जो और अच्छा है, रिहर्सल हो जाती है, जहाँ बिठाओ जैसे बिठाओ जैसे सुलाओ, उसकी रिहर्सल हो जाती है। तो पट में सोना अच्छा है, पट राजा बन गए। जिस शास्त्र में पटरानी पट राजा का बड़ा गायन है ना, आप तो बहुत सहज बन गए। कोई तकलीफ है, बाप दादा और निमित्त आत्माएं सोचती तो यही है कि मेरे बच्चे आराम से रहे। लेकिन अगर संख्या ज़्यादा संख्या में ही आराम लगता है तो खुशी की बात है। जहाँ भी रहे हुए हो वहाँ खुश हो, कोई तकलीफ तो नहीं। और बुलाएं भाई बहनों को, और भी बुलाएं। सिर्फ एक सूचना चली जाए, जो आना चाहे वो आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा, अखंड तपस्या करनी पड़ेगी। खुशी की खुराक खाओ, अखंड योग करो, फिर तो सभी आ सकते हैं। करेंगे, थक तो नहीं जाएंगे, भूख नहीं लगेगी, 7 दिन नहीं खाएंगे, 7 दिन खाना नहीं मिलेगा। बाप दादा ऐसा हट कराना नहीं चाहते, सहज योगी होना। ये परमात्मा मिलन कम भाग्य नहीं, ये परमात्मा मिलन का श्रेष्ठ भाग्य। फोटो में कोई आप आत्माओं को मिलता है, अच्छा मिल लिया ना। भक्ति में तो जड़ चित्र मिलता है, और यहाँ चैतन्य में बाप बच्चों से मिलते हैं, रोहरिहान भी करते हैं, ये भाग्य कोई कम नहीं है। फिर भी आप सब लकी हो, समय की गति बदलती जाती है। अभी फिर भी आराम से बैठकर सुन रहे हो, आगे चलकर वृद्धि होगी तो बदलेगा ना। फिर भी आप लकी हो, क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आए, लेट के टाइम पर आए तो सब खुश हो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भाग्यवान आत्माओं को सदा मन जीत जगत जीत के निश्चय और नशे में रहने वाले सदा हर गुण शक्ति ज्ञान के अनुभवी आत्माएं सदा बाबा के साथ रखने वाली कंबाइंड स्वरूप आत्माएं सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को सहज श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे अति समीप श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो आज 17/11/94 की मुरली टाइटल हर गुण शक्ति के अनुभव में हो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बाप का प्यार अति श्रेष्ठ है और बच्चों का भी प्यार बाप से अति है, तो ये प्यार की डोरी बच्चों को भी खींच के ले आते हैं और बाप को भी। बच्चे जानते हैं परमात्मा प्यार कितना सुखदायी है, अगर एक सेकंड भी उस प्यार में खो जाए तो सब दुख भूल जाते हैं, सुख के झूले में झूलने लगते हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं दुनिया के हिसाब से कितनी भी साधारण आत्माएं हो आप, लेकिन बहुत श्रेष्ठ भाग्यशाली हो। चाहे सारे कल्प में कोई धर्मात्मा हो महात्मा हो, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य न किसी को प्राप्त है न हो सकता है। तो अति साधारण अति श्रेष्ठ भाग्यवान बाप दादा को साधारण आत्मा ही पसंद आई। बाप स्वयं साधारण तन में आते हैं, ना कोई राजा के तन में, ना रानी के तन में, ना कोई महात्मा के या धर्मात्मा के तन में आते हैं। तो परमात्मा साधारण तन में आते हैं, आज का करोड़पति भी साधारण है। तो सुनते हैं आज का वरदान। वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वाचा के साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना यही पावरफुल अंतिम सेवा है।
जब मनसा सेवा और वाणी की सेवा दोनों का कंबाइंड रूप होगा तब सहज सफलता होगी, इससे दुगुनी रिजल्ट मिलेंगे। वाणी की सेवा करने वाले तो थोड़े होते हैं, बाकी देखरेख करने वाले दूसरे कार्यों में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। इससे वायुमंडल योगयुक्त बनता है। हर एक समझे मुझे सेवा करनी है, क्या समझे? मुझे सेवा करनी है, तो वातावरण पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। आज का स्लोगन है, सदा एकर स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। सदा एकर स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। तो ऐसे वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मुहूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।